ई मित्र संचालक के साथ मारपीट के साथ फायरिंग। अलवर शहर के बगड़ तिराया पुलिस थाना अंतर्गत वाला चेक पोस्ट पर स्थित एक ई मित्र दुकानदार के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। मौके पर आरोपी लोगों ने फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बारे में बताया गया कि बीती रात्रि को आरोपी एक गाड़ी में सवार होकर आए और मारपीट कर गले में रखे रुपए लेकर फरार हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया और ग्रामीण पुलिस उपाधीक्षक ओम प्रकाश से मिले। उन्होंने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। डीएसपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि बीती रात 19 जून बुधवार को बहाला टोल टैक्स पर यस ई मित्र पर भारत पुत्र श्रीराम, चंदन पुत्र अरविंद, भानु पुत्र अरविंद व विक्रम पुत्र श्रीराम ई मित्र पर अपना कार्य कर रहे थे। तभी विपिन पुत्र राजेश, जाति जाटव, निवासी ढाढोली नासिर, जिम संचालक विपिन का दोस्त अखिलेश जाटव व 20 से 25 युवक उनके साथ आए बंदूक, अवैध रिवाल्वर, देसी कट्टों से पहले फायरिंग की और फिर भारत, विक्रम, भानु को ई मित्र से बाहर निकालकर रोड पर लाठी डंडों से मारने लग गए। ई मित्र में 1,75,000 रुपए लेकर भाग गए। सभी आरोपी काले रंग की थार गाड़ी में सवार होकर आए, फायरिंग की और भाग निकले। इतने में गांव के लोगों को सूचना मिली तो 50 से 60 लोग भाग कर पहुंचे। उनको रोकने का प्रयास किया गया तो टोल टैक्स पर बैरक हटाकर भाग निकले। बगड़ किराए पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें ढाढोली निवासी 4 बच्चे जो बहला टोल टैक्स के पास में ई मित्र की दुकान पर कार्य कर रहे थे, वहाँ पर 3 लड़के नामजद हैं और उनके साथ मंगला वजीर का भी कुछ और लड़के थार गाड़ी लेकर के आए हैं और उनके साथ मारपीट की है। इस पर ये घटना रात को करीब 9:30 की बता रहे हैं, आईपीसी में और एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है और अनुसंधान मेरे द्वारा स्वयं किया जा रहा है। सर, फायरिंग का मामला भी है कैसे? हाँ, ये परिवादी का कहना है कि उन्होंने फायर भी किया है। रात को मौके पर ही थाना पुलिस एसएचओ स्वयं पहुंच गए थे और ई मित्र की दुकान पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। फिलहाल तक ऐसा फायरिंग का सामने नहीं आ रहा, फिर भी अनुसंधान किया।